मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की सॉक्स बनाना बताने जा रही हूँ। ये सॉक्स हम बनाने में बहुत ही आसान है और पहन करके पैर में जूते की तरह बिल्कुल फिट आती है और बहुत ही अच्छी लगती है पैर में पहनने के बाद। इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने सलाई में 5 फंदे डालने हैं। 5 फंदे से हमने इस सॉक्स को बनाने की शुरुआत करनी है। आइए अब देखते हैं कि हमने सॉक्स को कैसे बनाना है। इस सॉक्स को बनाने के लिए हम 5 फंदे डालेंगे। 5 फंदे डालकर हर सीधी सलाई पर फंदे बढ़ाते हुए हम 27 फंदे तक इसको बनाएंगे। अब आइए हम सलाई में फंदे डाल करके इसको बनाना शुरू करते हैं। देखें, बनने के बाद सॉक्स की लुक इस तरह से आएगी। ये यहाँ हमने 5 फंदे डाले हैं और फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर हम 27 करेंगे। 2 फंदे इधर से छोड़ेंगे और 2 इधर से, बीच के फंदों को हम डबल करेंगे और फिर ये 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न बनाएंगे हम 7 इंच तक। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। यहाँ पर हमने दो का एक करके घटाने जैसे वहाँ पर बढ़ाए थे, और फिर साइड साइड में एक एक घटाते हुए एंड में यहाँ तक हमने ले आना है इसको 5 फंदों तक। और फिर ये एक छोटी सी पट्टी बना देंगे हम काज के लिए और इसमें काज बना देंगे। पहनने के बाद फिर इस तरह से ये सॉक्स की लुक आई जो आपने पहले देखी। अब हम इसको बनाना सीखते हैं। ये 5 फंदे डाल करके हम एक सीधी सलाई ये बना रहे हैं। ये एक सीधी सलाई हमने बना ली 5 फंदों के साथ। फिर अब हम ये रॉन्ग साइड से इधर से भी एक सीधी सलाई बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये इधर से भी हमने एक सीधी सलाई बना ली है। 5 फंदों के साथ हमने 2 सीधी सलाइयां बना ली। अब हम ये तीसरी सलाई पर आते हैं। अब यहाँ से हम अपने फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। ये फंदा उतारा, इस तरह हम ऊन पीछे ले गए, ये एक फंदा हमने डाल लिया। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये बीच के हम 3 फंदे बना लेंगे सीधे और फिर एंड में एक फंदा डाल लेंगे। ये एक फंदा फिर से बढ़ गया। लास्ट फंदे को ऐसे ही बुन लेंगे सीधा। अब ये रॉन्ग साइड से, अब ये फंदे हमारे 7 हो गए। अब ये 7ों फंदों को हम रॉन्ग साइड से सीधा बना लेंगे। अभी जब तक हम फंदे बढ़ाएंगे, सलाइयाँ दोनों तरफ से हमारी सीधी ही बनेंगी। दोनों तरफ से सीधी सलाइयाँ बनेंगी जब तक कि हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब फिर से हम सीधी तरफ की सलाई पर आ गए, ये राइट साइड पर। ये फंदा हमने उतारा, ऊन पीछे ले गए, एक फंदा फिर हमने हाथ से डाला इस किनारे पर। फिर बीच के फंदों को सीधा बना लिया। अब ये इस किनारे के फंदे से पहले फिर एक फंदा हमने डालना है। ये देखें, दोनों किनारों के आसपास हमने एक एक फंदा राइट साइड से बढ़ाना है। हर सीधी तरफ की सलाई पर जब हम आएंगे तो एक एक फंदा दोनों तरफ से हम बढ़ाएंगे। इस तरफ से बाकी फंदों को इसी तरह से सारे फंदों को सीधा बना लेंगे, डाले हुए फंदों को भी जो हम हाथ से डाल करके बढ़ा रहे हैं उन्हें भी, और बाकी फंदों को भी सबको सीधा बना लेंगे। और सीधी साइड से किनारे के एक फंदे के बाद फंदा हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे। ये इसी तरह से फंदों को बढ़ाते हुए हमें 27 फंदे होने तक इसे बनाना है। ये देखें, अब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इसे हमारे पास अब ये 11 फंदे। इसी तरह से जब तक हमारे पास फंदे बढ़ते बढ़ते 27 हो जाए तब तक हमने इसे बना लेना है। अब ये देखें, सिलाई में हमारे पास फंदे बढ़ते बढ़ते 27 हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें, शुरू के 2 फंदों को ऐसे ही सीधा बना लेना है। अब ये तीसरे फंदे से, ये तीसरा फंदा हमने बुना साइड से, इसके नीचे वाला ये फंदा उठाया, इसे भी बुन लिया, एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर ये अगला फंदा बुना, इसके नीचे से ये फंदा उठाकर इसे भी बना लिया। ये इसी तरह से सारे फंदे हमने डबल कर लेने हैं।
ये फंदा बुना हमने सिलाई का, फिर ये नीचे से उठा करके इसको भी बना लिया। शुरू के दो फंदे हमने सिंपल बनाए, उसके बाद हम यही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। ये देखें, सिलाई का फंदा बनाया, फिर इसके नीचे से ये फंदा उठा करके हम बना लेंगे, तो फंदे ऑलमोस्ट हमारे डबल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट इसलिए कि दो फंदे हमने शुरू में बिना बढ़ाए सिंपल बनाए, और दो इसी तरह से हम एंड में बिना बढ़ाए बनाएंगे, और बाकी बीच के फंदों में हम डबल फंदे कर रहे हैं, हर फंदे को हम डबल कर रहे हैं। ये पहले सिलाई का फंदा बढ़ाया, फिर ये नीचे से फंदा उठा करके इसे बुन लिया, तो ये फंदे एक से दो हो, हर फंदा एक से दो बन रहा है। ये देखें इस तरह से, ये सारे ही फंदे डबल हो रहे हैं। देखें, सिलाई का फंदा बनाया, फिर ये नीचे से ये फंदा उठा करके इसे बना लिया। सिलाई का फंदा बनाया, फिर ये नीचे से इसके ये फंदा उठाकर हमने बना लिया। अब ये एंड के हमारे पास दो फंदे बचे हैं, इन्हें हम इसी तरह से सिंपल सीधा बना लेंगे। और अब इस तरफ से ये रॉन्ग साइड से भी हमने पूरी सिलाई को सीधा बना लेना है। ये सारे फंदों को हमने सीधा बना लेना है। फंदे अब हमारे पास सिलाई में हो गए हैं 50। ये सारे फंदों को हमने 50 के 50 फंदों को सीधा बना लेना है। ये देखें, पूरी सिलाई हमने ये सीधी बना ली है। अब ये फिर से हम सीधी तरफ है, राइट साइड की तरफ है। अब हमने ये दो फंदे सीधे, ये देखें दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर दो सीधे, फिर ये दो उल्टे, इसी तरह से ये पूरी लाइन हमने बनानी है। दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, इसी तरह से ये सिलाई के एंड तक हम बनाते जाएंगे। अब ये देखें, सिलाई के एंड पर आ गए हम, दो उल्टे दो सीधे बनाते हुए। सिलाई के एंड में भी दो हमारे पास सीधे फंदे बनेंगे। ये सिलाई के शुरू में भी दो सीधे थे, और सिलाई के एंड में भी दो सीधे हैं हमारे पास। अब हम रॉन्ग साइड से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। ये देखें, उल्टे पर उल्टे और सीधे पर सीधे फंदे बनाएंगे। ये इस तरह का पैटर्न हमने बनाना है, जैसा हमारा ये पैटर्न है। ये इस तरह से दो सीधे उल्टे बनाते हुए हमने इसको 7 इंच तक बना लेना है। ये 7 इंच की हाइट तक हमने इस पैटर्न को बना लेना है। ये देखें, अब हमने ये अपने प्रोजेक्ट को 7 इंच की हाइट तक बना लिया है। ये 7 इंच की हाइट तक बन गया है। और अगर हम सलाइयाँ गिने तो हमने इसमें 60 सलाइयाँ बनाई हैं, 60 सलाइयाँ बनाई हैं, और ये 7 इंच की हाइट तक हमने बना लिया है। अब हमने जिस तरह से ये फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से अब हम फंदों को घटाएंगे। अब फंदे घटाना हम शुरू करते हैं। पहले दो फंदे ये सीधे हैं हमारे, इन्हें हम ऐसे ही सीधे बनाएंगे। ये हम सीधी सलाई की तरफ हैं, सीधी साइड की तरफ हैं, तो इसलिए पहले हमारे पास ये सीधे फंदे हैं। तो दो फंदे हमने पहले सीधे बना लिए। अब हम उल्टे फंदों से फंदे घटाना शुरू करेंगे। दो उल्टे का एक किया, फिर पीछे ले गए उनको, ये दो सीधे का एक किया, इसी तरह से ये फिर दो उल्टे का एक, फिर ये दो सीधे को एक। जैसे वहां पर हमने डबल किए थे फंदे, वैसे ही यहाँ पर हम आधे कर रहे हैं फंदे, दो का एक। ये हर फंदे को, हर दो फंदे का हम एक करते जा रहे हैं, दो सीधे का एक, दो उल्टे का एक, फिर दो सीधे का एक, फिर ये दो उल्टे का एक, फिर ये दो सीधे का, इसी तरह से ये हमने सिलाई के एंड तक सारे फंदों को दो का एक करते जाना है। ये देखें, सिलाई के एंड पर हम आ गए हैं। सिलाई के एंड में भी ये दो जो हमारे पास सीधे फंदे हैं, इनको हम सीधा ही बना लेंगे, इनको हमने घटाया नहीं है। शुरू में भी दो सीधे फंदे थे और सिलाई के एंड में भी दो सीधे फंदे हैं। अब हमारी ये रॉन्ग साइड की सिलाई आती है,
इस पर अब हमने सारे फंदों को सीधे बना लेना है। अब ये हमारे सीधे सीधे सीधी सीधी सलाइयों वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा। दो उल्टे दो सीधे वाला खत्म हो गया। अब हमने दोनों तरफ से सीधी सलाइयां बनानी है। अब पहले हम इस तरफ से पूरी सलाई सीधी बना लेंगे, सारे फंदे अपने सीधे बना लेंगे। अब ये देखें, उल्टी तरफ से हमारे सारे फंदों को हमने सीधा बना लिया। अब हम ये सीधी तरफ है, राइट साइड। अब हम एक एक दोनों किनारे पे फंदे घटाना शुरू करेंगे। इसी तरह का ट्रायंगल बनाएंगे। अब हम जैसे हमने यहाँ पर पांच फंदों से बढ़ाने शुरू किए थे, अब हम इसी तरह से ये घटाने शुरू करेंगे। ये पहला फंदा हमने सीधा उतारा और अब दो फंदे का एक कर दिया। बाकी बीच के सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे और फिर किनारे पर एक फंदे से पहले फिर दो का एक कर देंगे। अब ये देखें, सिलाई के एंड पर हम आ गए हैं। अब हम ये एक फंदा पहले दो फंदों का एक कर देंगे, तो सिलाई के एंड पर भी हमने एक फंदा घटा दिया। ये सीधी साइड से हमने यही प्रोसेस दोहराना है कि इधर से भी दो का एक करना है और इधर से भी, सिलाई को शुरू करते हुए भी और सिलाई को एंड करते हुए भी। और रॉन्ग साइड की सिलाई पूरी सीधी बनेगी। इस पर हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ सारे फंदों को हमने सीधा बनाना है। ये रॉन्ग साइड की सिलाई है, इस पर हमने सारे फंदों को सीधा बनाना है। अब ये देखें, फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। फिर से ये देखें, एक फंदा हमने उतारा, उन पीछे ले गए, ये दो फंदे का एक किया। ये दो फंदों को हमने एक कर लिया, एक फंदा हमारा घट गया। अब बाकी सारे फंदे हमने सीधे बना लेने और सलाई के एंड पर फिर से हमने दो फंदे का एक कर लेना है। अब ये देखें, हम सलाई के एंड पर आ गए हैं। एक फंदा पहले हम ये दो फंदों को एक कर देंगे और लास्ट का फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे। अब इसी तरह से हमने उल्टी सलाई पूरी सीधी बना लेनी है, उल्टी तरफ की सलाई पूरी सीधी बना लेनी है। इसी तरह से अब हमने अपने इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जब हम सीधी साइड की तरफ आएंगे तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे और उल्टी साइड की तरफ से, ये रॉन्ग साइड की तरफ से सारे फंदों को सीधा बना लेंगे। इस तरह से फंदों को घटाते घटाते हमने पांच फंदे तक इसे बना लेना है। फंदे हमारे घटाते घटाते फंदे रह गए हैं पांच। अब हमने इसकी इस तरह की पट्टी बनानी है। ये पांच फंदों को हमने 12 सलाई तक बनाना है। इन्हीं पांच फंदों को हमने 12 सीधी सलाई हमने बना लेनी है इन पांच फंदों के साथ। ये राइट साइड से भी सीधी और रॉन्ग साइड से भी सीधी, दोनों तरफ से हमने सीधी तरफ से भी सीधी सलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सलाई, इस तरह से हमने ये 12 सलाइयाँ बना लेनी है। ये देखें, छह धारियां हमारी बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम अपना काज बनाएंगे। काज हमने, ये हमारे पांच फंदे हैं तो तीसरे फंदे पर हमने काज बनाना है। ये देखें, एक फंदा ये हमने सीधा बनाया ऊन आगे की और अब ये दो फंदों को हम एक साथ बना लेंगे। तो ये जो जाली आ गई, ये हमारा काज बन जाएगा। अब हमने चार पांच सलाइयां सीधी और बना लेनी है और फिर हम इसको बंद करेंगे। ये अभी हम पांच सलाइयां और सीधी बना लेते हैं, फिर इसको हम बंद करेंगे। ये देखें, चार सलाइयां हमारी बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, जिससे ये दो धारी हमारी राइट साइड पर आ गई हैं। अब ये रॉन्ग साइड की तरफ से हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। ये दो फंदे बनाए, ये वापसी इसके साथ मिलाया, फिर इनको बनाया। ये इस तरह से हमने सारे फंदों को बंद कर देना है और अब ये लास्ट फंदे में से हम ये ऊन को पास करा करके फिर इसको कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से, अब यहाँ से इसको कट कर कर और फिर अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये जैसे हमने अपनी इस वाली सॉक्स की सिलाई की है, ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा दो उल्टे दो सीधे वाला पोर्शन है, इसी को हमने डबल करके यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर देनी है। ये देखें, अब हम अपने इसके सॉक्स की सिलाई कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है ये हमने नहीं सिलना, ये जो सीधी सिलाई है हमारी, ये वाला पोर्शन सिर्फ हमने डबल करना है। ये जो हमने दो उल्टे दो सीधे का बनाया था, इसको हमने यहाँ शुरू से और यहाँ एंड तक बंद कर देना है दोनों तरफ से। अब ये देखें, दूसरी तरफ से भी हम सिलाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी हमने ये ट्रायंगल की सिलाई नहीं करनी, सिर्फ ये सीधी सिलाई, ये सीधे उल्टे का जो पोर्शन है सिर्फ इसी को हमने डबल कर कर सिलना है, यही पोर्शन हमारा सिला जाएगा। देखें, इसी पोर्शन को हमने शुरू से और एंड तक सिल लेना है। ये इस तरह से दोनों तरफ से टांके उठाते हुए इसको हमने सिल लेना है। ये देखें, सॉक्स हमने अपने तैयार कर लिए, ये दोनों तरफ से, ये इधर से हमने सिलाई कर ली है, ये जो हमारा सीधे उल्टे वाला पैटर्न था इसको हमने डबल करके सिलाई कर ली है, और जो हमारे धागे निकले हुए थे उन्हें हमने अंदर कर दिया है, ये दबा दिया है, और यहाँ पर बटन लगा लिया है। जहाँ से हमने 5 फंदों से शुरुआत करी थी वहां पर हमने ये बटन लगा लिया है, तो ये सॉक्स हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये देखें, ये इस तरह से, ये दूसरी भी। अब ये देखें, इस तरह से ये दोनों सॉक्स हमारी आएंगी। जब हम पैर में पहनेंगे तो इसकी लुक किस तरह से आएगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये देखें, पैर में पहन करके हमारी सॉक्स की लुक इस तरह से आ रही है फ्रेंड्स। ये देखें, ये 7 नंबर के पैर में सॉक्स पूरी तरह से फिट आई है, ये 7 से 8 नंबर के पैर में भी आ जाएगी। अगर आपने इससे छोटी सॉक्स बनानी है तो आप इसमें 4 फंदे कम कर सकते हैं। जैसे फंदे हमने ये बढ़ा करके 50 किए थे जब डबल किए थे, तो आप उसको 46 फंदे तक बना सकते हैं अगर इससे 1 नंबर छोटी बनानी है। अगर इससे 2 नंबर छोटी बनानी है तो आप उसमें 40-42 तक फंदे रख करके फिर उसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इससे बड़ी बनानी है तो आप इसमें 4 फंदे और इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखें, ये जो हमारा ट्रायंगल वाला पोर्शन था ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये जो दो उल्टे दो सीधे वाला पोर्शन था ये पूरा ये राउंड तक, इस तरह से यहाँ, इस राउंड से यहाँ तक आ रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी सॉक्स पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।